हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ममाज गर्ल एके। और मैं हूँ याना। मैंने कुछ शॉपिंग की है फिर से, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और फिर उसके बाद इंडिविजुअल वीडियो लाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। सारी चीज़ें नहीं, जैसे कुछ सोप्स है इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जो मैंने पहले दिखा दिया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है सनसिल्क का जो कोकोनट वाटर एंड एलोवेरा वॉल्यूम का जो कंडीशनर। एक्चुअली आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, मैंने इसका नया शैम्पू जब आया ही था मार्केट पे तब लिया था, तो तब कंडीशनर नहीं मिली थी मुझे। अभी मुझे मिली है तो साथ में यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में एक वीडियो। और नहीं, ये भी अच्छा ही होगा, सनसिल्क की चीज़ें सच में अच्छी होती है, तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना तो दिया है शैम्पू के ऊपर। फिर दो बार बनाए तो बेकार में क्यों आप लोगों की भी टाइम वेस्ट करूं। इसके बाद में है मेरे पास में ये L18 की नेल रिमूवर, जो नेल कलर रिमूव करने के लिए है। और सॉरी, बहुत ही गंदी लग रही है मेरे हाथ, मुझे पता है, पर फिर भी बनाना था वीडियो, सोचे आपके साथ शेयर करना था तो कर ही ले जल्दी। तो ये है मेरे पास और मैंने पहले इसकी वीडियो डाल दी है, तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मेरे पास में है ये दो शैम्पू, सनसिल्क की शैम्पू है जैसे कि मैंने आपको बताया। मैंने बस ले लिया ये है परफेक्ट स्ट्रेंथ शैम्पू, और ये है हेयर फॉल सॉल्यूशन शैम्पू। ये मैंने अपनी मम्मा के लिए लिया है और ये मैंने खुद ट्राई करने के लिए ले लिया। पुरानी वाली ख़त्म हो जाए जल्दी तो बस ये वाली ट्राई करनी, ये वाली मैंने कभी ट्राई नहीं की तो इसकी भी वीडियो नहीं डालेंगे। लेकिन इसकी आप चाहे तो, हाँ, हेयर फॉल के लिए है ना, तो एक बार डाल, अगर मम्मा यूज़ कर ले तो उनसे अच्छे से डिटेल्स ले लूँ, उसके बाद में शेयर करेंगे आपके साथ। फिर मैंने ली है ये क्लीन एंड क्लियर का फेयरनेस क्रीम। एक्चुअली फेयरनेस के लिए नहीं, पर आपको पता होगा जैसे कि क्लीन एंड क्लियर का जो बेरी वाली फेस वॉश आती है वो मुझे सूट करता है। आप अगर पिछली वीडियोस देख लेंगे उसके बारे में, मेरे चैनल पे है, तो मैंने सोचा उसी के साथ मैं इसे यूज़ करूँ। फ़िलहाल अभी दूसरी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसे बंद कर कर ये वाला यूज़ करेंगे। पता नहीं, हाथ बहुत डार्क और डल दिख रहा है, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। फ़िलहाल आप प्रोडक्ट्स की तरफ देख लीजिएगा, जल्दी से इसे यूज़ करेंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे बहुत ही जल्दी। फिर मैंने ली है ये दो नेल कलर्स, ये ट्रांसपेरेंट वाली और ये है नेल कलर जो लैक्मे की आती है। दोनों ही लैक्मे का कलर क्रश है और आपको दिखा देते हैं, 165 हो गए। एक्चुअली 150 में आती थी, इन्होंने प्राइस थोड़ा बढ़ा भी दिया है शायद, पर बहुत ही प्यारा सा कलर, मैंने ट्राई भी कर लिया था ये देखिए, पर निकल गया वो ड्राई होने से पहले ही, बस कुछ करने लगे तो निकल गया। जब आपको पूरी लैक्मे की ये मिलेगी ना नेल कलर्स, या आप कंप्लीट नेल कलर अपना शेयर करेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में बता देंगे, पर दोनों ही बहुत अच्छे रहती है क्योंकि मैंने काफ़ी यूज़ किया है तो मुझे पता है। फिर मैंने लिया है ये वाला फेस वॉश जो निविया का आता है, छोटा वाला मैंने लिया है, तो इसे यूज़ करने के बाद में रिव्यू शेयर करेंगे, पर बता देते हैं छोटी वाली की प्राइस आपको 85 रुपीज़ पड़ेगी। देख लीजिएगा, 85 रुपीज़ पड़ेगी 50 ml का, और इसका बड़ा बॉटल भी आता है, पर मैंने सोचा कि पहले छोटा वाला ट्राई कर लूँ क्योंकि इसमें मिल्क है तो पता नहीं मेरी तो ऑयली स्किन है तो सूट करेगा कि नहीं, इसीलिए छोटा वाला लिया मैंने। फिर मेरे पास में है कुछ नई चीज़ें, सच में मतलब मुझे नहीं पता मार्केट में थी होगी पर मेरे लिए नई है। लक्स का जो ये तीन, सॉरी वीडियो हिल जाएगा, हाँ, लक्स का मुझे ये तीन सोप मिला है नया, जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, शायद से मैंने ये यूज़ किया पर मुझे याद नहीं, पर ये दो मेरे लिए एकदम ही नए हैं, तो मैंने सोचा बस ले लूँ, थोड़ा चेंज कर लूँ, चेंज की ज़रूरत होती है ना वॉशरूम में, तो इसीलिए बस कर लेते हैं। तो ये वाला है, इसकी तो रिव्यू देने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर अगर कुछ अच्छी लगी ना तो कवर रखेंगे और आपके साथ में एम्प्टी जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ में शेयर कर देंगे। ये वाली है एलोवेरा के साथ इसकी फ्रेग्रेंस, पर इसकी इसकी मुझे तो समझ इतनी सारी, हाँ, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है, ये कुछ 10 रुपीज़ का होगा शायद, हाँ जी हाँ, देखिए 10 रुपीज़ का है बस छोटा सा। और ये वाली है, इसका प्राइस तो मुझे नहीं पता, इसकी प्राइस मुझे दिख नहीं रही है। और ये वाली होगी,
ये 32 रुपीज़ की, छोटा सा था, बस चेन चाहिए था तो इसीलिए सोचे थोड़ा नया ट्राई कर लूँ। और अभी लक्स में आया है तो छोटे टाइम में काफ़ी यूज़ किया था तो सोचा कुछ नया ही ट्राई कर लूँ, तो बस ये 3 मैंने ले लिया। ये वाली है लोटस एंड हनी, आप देख लीजिएगा, तीनों ही देख लीजिए, फ्रेश स्प्लैश। और ये वाली एलोवेरा के साथ है ब्राइटनिंग स्किन, उस लिए नहीं बस चेंज करना था, इसकी खुशबू अच्छी लगी, कवर अच्छा लगा, ले लिए। और हाँ, ये मैंने लिया है, दिखाते हैं आपको, फियामा का आया है ना, जो फियामा का जो बॉडी वॉश आया है वो मैंने लिया है, देख सकते हैं आप। और ये मुझे पड़ा था 199, जी हाँ 199 में। आपको एक बॉटल मिलती है, उसके साथ एक पाउच मिल जाती है, यूज़ करने के बाद में शेयर करेंगे, पर इसकी कितनी क्वांटिटी है वो बता, ओपन ही करना होगा कुछ तो समझ। हाँ, इसमें आपको पाउच में मिलता है 185 ml, और इसकी है कितनी है 250 ml की, तो ठीक है ना, ये ख़त्म करे बस, ये इसमें डाले, बहुत सारा बॉडी वॉश और सोप ले लिया मैंने इस बार। ये वाली थी लेमन ग्रास वाली, देख लीजिए, और ये वाली है ब्लैक करंट ब्लैकबेरी, कलर मुझे पसंद आया इसका, लेकिन लेमन ग्रास मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने ये भी लिया, दोनों ही। और चलिए इसके बाद दिखाते हैं, ये मेरा फेवरेट बॉडी लोशन है, जितना भी मैं यूज़ कर लूँ पर इसमें वापस आ ही जाते हैं, साल में एक बार तो वापस ले ही लेते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी चीज़ थी, इसमें थी कि फ्री 45 ml की मुझे मिल गई, 45 रुपीज़ का। एक और पीछे देखिए, तो ये पैक ही है, अभी तक यूज़, मतलब मैंने काफ़ी यूज़ किया है इसके, तो मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया, मुझे इसका जो स्मेल है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसकी क्रीम सब कुछ अच्छी लगती है, क्रीम हील्स के लिए बहुत बेस्ट है। आप प्लीज़ कभी हील्स का कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बोरोप्लस की क्रीम यूज़ करिएगा, और लोशन के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन से अच्छा मुझे इसका फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग लगता है, तो इसी लिए लेते हैं। और ये एक्चुअली ये मैंने ओपन किया, ये मैंने लिया था, मैं मुझे ओपन करने के बाद में मैंने ये पढ़ा नहीं, बस ले लिया था, बड़ा वाला लेना था यूज़ करने खुद के लिए, क्योंकि मेरे घर पे ये मुझे ही यूज़ करना पसंद है, बाकी कोई यूज़ नहीं करता, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उसमें ये एक चीज़ फ्री मिल गई, तो सोचा तब जाकर सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, वरना ये शेयर करो तो शायद कोई कुछ बोल भी दे। इसमें आपको हाँ मिल रही है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, निविया का सॉफ्ट जो 15 रुपीज़ में आती है, तो वो क्रीम मिल रही है, ये दिखाते हैं, पाउच टाइप का ही मिल रहा है। वैसे निविया की तो बहुत सारी क्रीम यूज़ किए हैं, पर पाउच में ठीक है कर लेते हैं, आप 2 से 3 बार एज अ बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं, 2 बार ही यूज़ कर सकते हैं बॉडी लोशन, और फेस में अगर कोई यूज़ करेगा तो 2 वीक्स के लिए चल जाएगा ये, अच्छा है ना, फ्री में मिला तो सोचे शेयर कर लूँ। और किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, जैसे दांत में दर्द हो रहा हो ऐसा कुछ, प्लीज़ एक बार इसे ट्राई करिएगा। वैसे बाकी सारे टूथपेस्ट भी बहुत ही अच्छे हैं मार्केट में, जिनको जो सूट करता है वो तो बहुत ही अच्छे हैं, पर फिर भी एक बार किसी को अगर पेन की प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे जब ऐसे हुआ था तब मैंने इसे यूज़ किया था और मुझे रिलीफ हुआ, तो बस तब से इसी में स्विच कर लिया, करीब 2 ईयर्स हो गए। तो चलिए, कुछ सजेशन हो आपका तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, और अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।